आज मैं यूको बैंक का नॉमिनी फॉर्म कैसे फिलअप करना है सिंगल और जॉइंट होल्डर दोनों ही बताऊंगी। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पर आपका बैंक का ब्रांच का नाम लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आय जहाँ पे लिखा हुए है यहाँ पे आपका नाम लिखना होगा और नाम के साथ आपका एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। यदि आप जॉइंट होल्डर है तो उई पर टिक करके आप जिस व्यक्तियों के साथ जॉइन है उनका नाम भी लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका बैंक का एड्रेस लिखना पड़ेगा। यहाँ पर आपका अकाउंट सेविंग्स है या करेंट अकाउंट है वो लिखना होगा। डिस्टिंग्विशिंग नंबर पर आपका बैंक का अकाउंट नंबर लिखना होगा। एडिशनल डिटेल्स देने का जरूरत नहीं है। यहाँ पर नॉमिनी का नाम लिखना होगा। एड्रेस पर जो नॉमिनी है उसका एड्रेस लिखना पड़ेगा। रिलेशनशिप पर नॉमिनी से आपका क्या संबंधित है वो लिखना पड़ेगा। जैसे कि नॉमिनी मेरी पिता है तो मैं फादर लिखा। यहाँ पर नॉमिनी का उम्र लिखना होगा। यहाँ पर आपका जगह लिखना होगा जहाँ पर आप रहते हैं। यहाँ पर डेट लिखना होगा फॉर्म जिस दिन सबमिट करोगे और यहाँ पर आपका साइन लगेगा। जॉइंट होल्डर के लिए जो जो आपके साथ जॉइन है उसको भी साइन करना पड़ेगा। और एक बात, यदि नॉमिनी 18 साल की कम है तो यहाँ पर उनका बर्थ डेट लिखना पड़ेगा और यहाँ पे उनका नाम उम्र और एड्रेस भी लिखना पड़ेगा। नॉमिनी माइनर नहीं है तो इस जगह फिलअप ना करें। अगर आपको साइन करना नहीं आता है तो यहाँ पे अंगूठा छाप दे। देन इस जगह पर दोनों व्यक्तियों का साइन लगेगा एज पर विटनेस। इस तरह इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारा चैनल ज्ञान ब्रिक्स जरूर सब्सक्राइब करना।